जब औरत बूढ़ी हो जाती है, औरत बल्कि बाप भी, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अब इनको हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। बच्चे जो है अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं, उनके लिए अलग घर बना होता है, ओल्ड एज होम, उसमें ले जाके डाल देते हैं। क्यों? कहते नहीं, अब ये तो बूढ़े हो चुके हैं, ये हमारे साथ रहेंगे तो घर का शो खराब होगा, या इस तरह कहेंगे कि नहीं हमारी प्राइवेसी में दखलंदाजी होगी, ये हमारे साथ नहीं रह सकती बुढ़ा बुढ़ी ना। अब आप सोचिए, यहां औरत पर जुल्म हो रहा है तो कौन जुल्म कर रहा है? शौहर जुल्म कर रहा है, बेटा जुल्म कर रहा है ना। तो मां की हैसियत से ये समाज, ये मुआशरा औरत को क्या हक देता है? बस एक ही बात होती है, शौहर बीवी, शौहर बीवी, शौहर बीवी। अरे भाई, औरत मां बन चुकी है, अब बेटा क्या करे उसके लिए? बड़े बड़े मुल्कों में आप देखें, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता कहते हैं, उन्होंने बाकायदा निजाम बना के रखा है। ये औरत बुढ़ी हो गई, फेंको, निकालोगे घर से, बाहर करो उसको, जाके ओल्ड एज होम में डाल दो, मां को भी और बाप को भी डाल दो, अपने साथ रखो ही मत। तो यहां पे शौहर का क्या कसूर है भाई? यहां पे तो जिम्मेदारी बच्चे की थी ना, औलाद की, कि अपनी मां की देखभाल करे, और मां को निकाल के बाहर कर रहा है। वहां पे कोई कुछ नहीं बोलता है कि औरत के साथ जुल्म हो रहा है। आप जरा सोचिए कितनी हैरत अंगेज बात है कि पूरी दुनिया खामोश है, इतने बड़े जुल्म पर दुनिया खामोश है कि बेटा अपने बाप को, अपनी मां को घर से निकाल के बाहर कर रहा है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यह तो जदीद तहजीब का एक हिस्सा है, इसको तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है, और कहते हैं बच्चा तालीम याफ्ता, समझदार बच्चा कहा जाता है उसको, जो मां बाप को निकाल के बाहर कर दे। तो इस्लाम क्या कहता है कि मां बाप अगर बूढ़े हो गए तो फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक ना कहो। घर से बाहर निकालना तो दूर की बात है, उनकी इज्जत, उनके एहतराम में तुम्हारी तरफ से और ज्यादा एहतमाम होना चाहिए कि मां बाप अगर बूढ़े हो गए तो बच्चों को और ज्यादा उनकी देखभाल की जरूरत है, बल्कि यहां तक कह दिया गया कि उनके कदमों में जन्नत है, उनकी देखभाल करोगे तो जन्नत है। और मुस्तदरक हाकिम वगैरह की रवायत है कि जिब्रील इस्लाम आए और कहा कि अगर किसी शख्स ने बुढ़ापे में अपने मां बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका तो तबाह हो, बर्बाद होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, यानी बद्दुआ दी जिब्रील इस्लाम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाने के बावजूद भी जन्नत नहीं हासिल कर सका। जन्नत में जाने का इतना बेहतरीन ऑप्शन था उसके पास।